हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक न्यू भर्ती के बारे में जो इंडियन नेवी के अंतर्गत जो है SSR के पोस्ट पर निकाली गई है, जिसमें टोटल जो वैकेंसी रखी गई है वो टोटल 1400 वैकेंसी रखी गई है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए जो सीट अवेलेबल कराया गया है 1120 और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो सीट अवेलेबल कराया गया है 280 अवेलेबल कराया गया है। इम्पॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई जो डेट रखा गया है वो 8 दिसंबर 2022 रखा गया है, यानी 8 दिसंबर 2022 से जो है आपका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। फॉर्म के लिए जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 17 दिसंबर 2022 रखी गई है। एग्जाम डेट जो है आपका अवेलेबल सून। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन फी। तो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए जो आपका एप्लीकेशन फी अवेलेबल कराया गया है वो ₹550 रखा गया है। SC ST कैंडिडेट के लिए जो आपका एप्लीकेशन फी अवेलेबल कराया गया है वो ₹550 रखा गया है। पेमेंट मोड जो है आपको ऑनलाइन ही पैसा पे करना है। नेक्स्ट है हमारा एज लिमिट। देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है आपका लाइक जो करना चाहिए 1 मई 2002 से लेकर 31 अक्टूबर 2005 के बीच में जो है आपका डेट ऑफ बर्थ लाइक करना चाहिए। मिनिमम एज मतलब न्यूनतम जो आयु रखी गई है वो 17.5 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम एज मतलब अधिकतम जो आयु रखी गई है वो 21 ईयर्स रखी गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में जो पहला है ओनली अनमैरिड कैंडिडेट आर एलिजिबल। इस फॉर्म के लिए जो केवल और केवल अनमैरिड मेल और फीमेल ही एलिजिबल हैं। ने अगला है हमारा जो मैथ एंड फिजिक्स में जो है आपको क्लास 12 पास की डिग्री मांगी गई है और इनमें से आपको एक सब्जेक्ट जो है आपके पास होना चाहिए, जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया और कंप्यूटर साइंस जो है, अगर ये आपके पास सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म के लिए जो है एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है हमारा सैलरी। सैलरी की जो यहाँ पर हम बात करेंगे वो मंथली सैलरी की बात करेंगे, जो ₹30,000 जो है आपकी मंथली सैलरी रखी गई है। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, चयन की प्रक्रिया क्या है। तो आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट और उसके बाद सिलेक्शन होगा। अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST की बात करते हैं तो मेल के लिए जो आपका जो दौड़ रखा गया है 1.6 किलोमीटर दौड़ है, समय जो आपको दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकेंड का। फीमेल के लिए जो आपको दौड़ रखा गया 1.6 किलोमीटर दौड़ है, समय जो मिलेगा आपको 8 मिनट का मिलेगा। मेल के लिए जो आपका उठक बैठक है आपको 20 बार करना है, फीमेल के लिए जो आपको उठक बैठक है 15 बार करना है। मेल के लिए जो पुशअप जो है आपको 12 टाइम करना है, फीमेल के लिए जो पुशअप नॉट अवेलेबल। मेल के लिए बेंट नी सीटअप जो है नॉट अवेलेबल है, फीमेल के लिए जो आपका बेंट नी सीटअप जो है 10 बार आपको करना है। अगर हम रिटन टेस्ट की बात करते हैं तो टोटल जो है आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन जो पेपर होगा आपका बाइलिंगुअल होगा, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों बोथ लैंग्वेज में आपके पेपर होंगे। क्वेश्चन टाइप जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो आपका इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया और जनरल अवेयरनेस से आपके क्वेश्चन आएंगे। निगेटिव मार्किंग जो इसमें रखी गई 0.25 मार्क, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग रखी गई है। टोटल जो आपको मार्क्स होगा 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। तो ये तो था इंडियन नेवी SSR भर्ती का ओवरव्यू। अगर आप इसके लिए योग्यबल हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।